हेस्टर एक बहुत सुंदर औरत थी जिसके पास लाइफ में सब कुछ था, लेकिन वो बहुत अनलकी थी। उसे एक आदमी से प्यार हुआ था और उसने उससे शादी कर ली थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उनके बीच का प्यार खत्म हो गया। उसके तीन बच्चे थे, एक लड़का और दो लड़कियां। सभी लोग कहा करते थे कि हेस्टर एक बहुत अच्छी मदर है और अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, लेकिन हेस्टर को अंदर ही अंदर लगता था कि ना तो वो अपने बच्चों से प्यार करती है और ना ही उसके बच्चे उससे प्यार करते हैं। हेस्टर और उसके हस्बैंड दोनों जॉब करते थे। उन दोनों की सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी तो थी ही कि सोसाइटी में उनका स्टेटस बना रहे। उनके पास अच्छा घर था और घर में बच्चों का ध्यान रखने के लिए एक नर्स भी थी, लेकिन उनके पास कभी भी ज्यादा पैसे नहीं होते थे। हेस्टर ने कई बार ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश की, लेकिन वो इस काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। बच्चे बड़े हो रहे थे और घर का खर्चा बढ़ रहा था। हेस्टर को महंगी चीजें पसंद थी, लेकिन वो उन्हें नहीं खरीद पा रही थी और इसलिए वो अपनी लाइफ में कंटेंट नहीं थी। घर में पैसों की कमी हर किसी को खल रही थी। कोई एक दूसरे को कुछ कहता नहीं था, लेकिन उन्हें हमेशा ऐसा ही लगता था कि उनके घर में बार बार एक आवाज गूंज रही है जो कह रही है, हमारे पास ज्यादा पैसे होने चाहिए, हमारे पास ज्यादा पैसे होने चाहिए। क्रिसमस पर बच्चों को खिलौने लाकर दिए गए, जिसमें एक रॉकिंग हॉर्स भी था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे उस रॉकिंग हॉर्स में से भी ऐसी ही आवाज आ रही है कि हमारे पास ज्यादा पैसे होने चाहिए। हेस्टर के बेटे का नाम था पॉल और हेस्टर के भाई का नाम था ऑस्कर। ऑस्कर बहुत अमीर था। एक दिन पॉल अपनी मदर से पूछता है, मदर, हम खुद अपने लिए कार क्यों नहीं खरीद सकते हैं? क्यों हमें हमेशा अंकल ऑस्कर से कार मांगनी पड़ती है या फिर टैक्सी बुक करनी पड़ती है? हेस्टर कहती है, क्योंकि हम गरीब हैं, और हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारे फादर बहुत अनलकी हैं। जो इंसान लकी होता है उसी के पास पैसे आते हैं। वो कहती है कि वो अमीर से ज्यादा लकी होना पसंद करेगी, क्योंकि अमीर लोग भी अपना पैसा खो सकते हैं, लेकिन लकी लोगों के पास पैसे आते ही रहते हैं। पॉल कहता है, मदर, मैं भी लकी ही हूँ। हेस्टर उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और पॉल ये सोचता है कि एक दिन वो अपनी मदर को प्रूव करके रहेगा कि वो लकी ही है। इसके बाद पॉल लक ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे लक नहीं मिलता। फिर वो अपने रॉकिंग हॉर्स पर बैठकर जोर जोर से हिलने लगता है और उसे कहता है कि मुझे वहां ले चलो जहां पर मेरा लक है। एक दिन अंकल ऑस्कर घर पर आते हैं और पॉल को रॉकिंग हॉर्स पर बैठा हुआ देखते हैं। वो कहते हैं, पॉल, तुम खिलौने वाले हॉर्स से क्यों खेल रहे हो? तुम बहुत बड़े हो गए हो। पॉल थोड़ी देर के बाद हॉर्स से नीचे उतरता है और कहता है, मैं जहां जा रहा था वहां पहुंच गया हूं। ऑस्कर पूछते हैं, क्या इस घोड़े का कोई नाम भी है? पॉल कहता है, इसका नाम बदलता रहता है। लास्ट वीक इसका नाम सेंसोविनो था। तब ऑस्कर को याद आता है कि सेंसोविनो तो उसी हॉर्स का नाम है जो लास्ट वीक रेस जीता था। तब पॉल की सिस्टर जोएन ऑस्कर को बताती है कि पॉल बेसेट से, जो उनका गार्डनर है, उससे हॉर्स रेसिंग के बारे में बात करता रहता है। पॉल ऑस्कर को बताता है कि आने वाली लिंकन रेस में डेफोडिल नाम का घोड़ा ही जीतेगा। वो ऑस्कर से कहता है, अंकल, मैं और बेसेट हॉर्स रेसिंग में बैट लगाते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। अंकल, आप इसके बारे में किसी को मत बताना। बेसेट और मैं साथ काम करते हैं और हम पार्टनर्स हैं। अगर आप चाहो तो हम आपको भी पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए कि किसी और को इसके बारे में नहीं बताएंगे। पॉल ऑस्कर से ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि एक बार ऑस्कर ने ही उसे 10 शिलिंग्स दिए थे जो पॉल ने रेस में लगाए थे और जीत भी गया था। इसके बाद पॉल और ऑस्कर रेस में पैसे लगाते हैं और जीत भी जाते हैं। इसके बाद ऑस्कर भी पॉल और बेसेट का पार्टनर बन जाते हैं। पॉल कहता है कि कभी कभी उसे पहले ही पता चल जाता है कि रेस कौन सा घोड़ा जीतने वाला है। तब वो और बेसेट उसी हॉर्स पे बैट लगाकर पैसे जीत जाते हैं, और जब वो श्योर नहीं होता कि कौन सा घोड़ा रेस जीतेगा, तब वो ज्यादा पैसे नहीं लगाते। ऑस्कर को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा सच हो सकता है। पॉल अभी छोटा ही था और अपने पैसे अपने पास नहीं बल्कि बेसेट के पास ही रखता था। ऑस्कर वो पैसे देखने को कहता है। बेसेट उसे वो पैसे दिखाता है तो ऑस्कर को यकीन हो जाता है। ऑस्कर पॉल से पूछते हैं कि उसे ये कैसे पता चलता है कि कौन सा हॉर्स रेस जीतेगा। तो पॉल कहता है कि उसे हेवन से उस हॉर्स का नाम सुनाई देता है जो रेस जीतने वाला होता है। नेक्स्ट रेस में पॉल 10,000 पाउंड जीत जाता है। ऑस्कर पूछते हैं, तुम इतने पैसों का क्या करोगे? पॉल कहता है, मैं ये पैसे अपनी मदर के लिए जमा कर रहा हूँ।
शायद इन पैसों की वजह से घर से वो आवाजें आना बंद हो जाएं कि हमारे पास और ज्यादा पैसे होने चाहिए। लेकिन पॉल ऑस्कर से ये भी कहता है कि उसकी मदर को ये नहीं पता लगना चाहिए कि मैं अब लकी हो गया हूँ। तब ऑस्कर पॉल से 5,000 पाउंड्स लेकर उन्हें बैंक में जमा करा देते हैं। ये 5,000 पाउंड्स हेस्टर को दिए जाने थे, लेकिन एक साथ नहीं बल्कि 1,000 पाउंड्स हर साल हेस्टर के बर्थडे पर अगले 5 सालों के लिए। जब हेस्टर का नेक्स्ट बर्थडे आता है तब उसे 1,000 पाउंड्स का चेक मिल जाता है। पॉल अपनी मदर से पूछता है कि क्या उनके बर्थडे पर उन्हें कुछ अच्छा मिला है, तो वो कहती है हाँ कुछ अच्छा तो है लेकिन उतना अच्छा नहीं। फिर हेस्टर बैंक जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि उसे 4,000 पाउंड्स अभी और मिलने हैं नेक्स्ट 4 बर्थडेज पर, लेकिन हेस्टर वो सारे पैसे अभी लेने की डिमांड करती है। फिर पॉल के कहने पर ऑस्कर बैंक वालों को कह देते हैं कि वो हेस्टर को सारे पैसे दे दे। हेस्टर के ऊपर कर्जा था, लेकिन वो अपना कर्जा चुकाने के बजाय घर के लिए नया फर्नीचर खरीद लेती है और पॉल के लिए एक ट्यूटर लगवा देती है ताकि उसे अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल सके। अब घर से पहले से भी ज्यादा आवाजें आने लगती है कि हमारे पास और पैसे होने चाहिए। इससे परेशान होकर पॉल अपने रॉकिंग हॉर्स पर बैठकर जोर जोर से हिलने लगता है। वो बहुत कोशिश करता है कि उसे उस हॉर्स का नाम पता चल जाए जो नेक्स्ट रेस में जीतने वाला है, लेकिन उसे उस हॉर्स का नाम नहीं पता चलता और वो पैसे हारने लग जाता है और बहुत परेशान भी हो जाता है। पॉल को परेशान देखकर हेस्टर उसे कहती है कि उसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए सी साइड चले जाना चाहिए। लेकिन कुछ दिन बाद एक डर्बी हॉर्स रेस होने जा रही होती है और पॉल कहता है कि वो डर्बी रेस से पहले कहीं नहीं जाएगा। हेस्टर पॉल से कहती है कि गैम्बलिंग करना अच्छी बात नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें गैम्बलिंग करने की बुरी आदत लग जाए। पॉल अपनी मदर से कहता है कि आप मेरे बारे में परेशान मत होइए। डर्बी रेस से पहले पॉल इसलिए कहीं नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसका रॉकिंग हॉर्स घर पर ही था। इस रॉकिंग हॉर्स की बात ऑस्कर और बेसेट को भी नहीं पता थी। अब पॉल बड़ा हो गया था और उसकी एज खिलौनों से खेलने वाली नहीं थी। अब उसके पास अपना अलग रूम था, तो उसने रॉकिंग हॉर्स अपने रूम में ही रख लिया। उसकी मदर उसे रॉकिंग हॉर्स रखने से मना कर रही थी, लेकिन वो कहता है कि जब तक वो रियल हॉर्स नहीं खरीद लेता तब तक वो इस रॉकिंग हॉर्स को अपने पास ही रखेगा। जैसे जैसे डर्बी रेस पास आ रही थी वैसे वैसे पॉल और भी ज्यादा नर्वस होता जा रहा था। डर्बी रेस से 2 दिन पहले हेस्टर अपने हस्बैंड के साथ एक पार्टी में जाती है। हेस्टर को कभी कभी एंजाइटी हो जाती थी, लेकिन उस रात पार्टी में उसकी एंजाइटी बहुत बढ़ गई और उसे डर लगने लगा कि कहीं उसके बच्चों को कोई खतरा तो नहीं है। वो पार्टी को बीच में ही छोड़कर घर आ जाती है। आधी रात का वक्त था। हेस्टर को पॉल के रूम से बहुत वायलेंट आवाज आने लगती है। वो पॉल के रूम में जाकर देखती है कि पॉल अपने रॉकिंग हॉर्स पर बैठा हुआ बहुत जोर जोर से हिल रहा है। हेस्टर पॉल को देखकर चिल्लाती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तब पॉल बार बार कहने लगता है मालाबार मालाबार मालाबार, और इसके बाद वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अगले 3 दिन तक पॉल की कंडीशन बहुत क्रिटिकल रहती है। बेसेट रूम में आता है और कहता है कि मालाबार हॉर्स रेस जीत गया है। इस रेस में पॉल 80,000 पाउंड्स जीता था। तब पॉल अपनी मदर से पूछता है, क्या आपको लगता है कि मैं लकी हूँ? अगर मैं अपने रॉकिंग हॉर्स को राइड करूंगा तो मैं लकी हो जाऊंगा। हेस्टर कहती है, इस बारे में मुझे नहीं पता। उस रात पॉल की डेथ हो जाती है। इसके बाद ऑस्कर हेस्टर से मिलने आते हैं और कहते हैं कि इससे ज्यादा तो वो पहले ही ठीक थी जब उसके पास पैसे नहीं थे। अब भले ही उसके पास 80,000 पाउंड्स आ गए हैं, लेकिन उसका बेटा अब नहीं रहा। लेकिन ये पॉल के लिए अच्छा ही हुआ क्योंकि वो बहुत वायलेंटली और स्ट्रेंजली अपने रॉकिंग हॉर्स को राइड करता रहता था। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।